हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी रूम। होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो पाइथन के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज के लेक्चर का हैंडआउट देख लेते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। फोर लूप। फोर लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो कि एक स्पेसिफिक इटरेशन करता है। सपोज एक आई नाम का वेरिएबल है जिसको इटरेट कराना है रिपीटेडली 1 से लेके 5 तक में। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन और जो भी लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद प्रिंट या फिर जो भी फॉर लूप का जो बॉडी है वो। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर सेज 4। आपको 4 का टेबल लिखना है, तो आप फॉर लूप की मदद से कैसे लिख सकते हैं। तो एक नम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें 4 लेते हैं क्योंकि हमें 4 का टेबल लिखना है। और उसके बाद हम एक इटरेशन चलाएंगे जिसमें वेरिएबल आई को 1 से लेकर 11 तक के रेंज में लिखेंगे। 1 से लेकर 11 तक इसलिए क्योंकि हम 4 का टेबल लिख रहे हैं, तो 4 जब 4 लिखना है एंड 4 × 10 = 40 तक करना है। और उसके बाद फिर इंडेंटेशन देंगे और प्रिंट कराएंगे हम लोग, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन या फिर टेबल 4 का आ जाएगा। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। आपको पहला 7 नेचुरल नंबर के सम का प्रोग्राम लिखना है। तो क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें 0 हम लोग इनिशियली ऐड करेंगे। फिर इटरेशन चलाएंगे आई को 1 से लेके 8 तक, क्योंकि हमें फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का सम लेना है। तो 1 से 7 लेने के लिए 1 से 8 के रेंज में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और प्रिंट करा देंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखें वैल्यू आ जाएगा 1, देन 3, 1 + 2 = 3, ठीक है। फिर 1 + 2 + 3 = 6, देन 1 + 2 + 3 + 4 = 10, देन सिमिलरली 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 58 up to 7। नाउ व्हाइल लूप देखते हैं। फॉर लूप की तरह व्हाइल लूप भी एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो कि अलाउ करता है कोई भी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए। बट इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे फॉर लूप में हम डायरेक्टली एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं कि कितना इसका इटरेशन होगा और उसके बाद फॉर लूप का बॉडी लिखते हैं। बट व्हाइल लूप में क्या करना है, हमें एक वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करना होता है और उसके बाद कंडीशन डालना होता है कि कब तक ये रिपीटेशन होगा, और उसके बाद बॉडी लिखते हैं व्हाइल लूप का और फिर प्रिंट स्टेटमेंट जो भी है। जैसे यहाँ देखिए, आई इज इक्वल टू 5 किया है, ये इनिशियलाइजेशन कर लिया। व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 0, ये एक टेस्ट इटरेशन है, ये कंडीशन है। व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 0, तो जब तक आई इज ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ही लेस हो गया ये लूप ख़त्म। उसके बाद प्रिंट का स्टेटमेंट है और आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 है, हम लोग i को 1 से माइनस कर रहे हैं। तो ये बॉडी ऑफ लूप हुआ और यहाँ i इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपडेट हुआ कि हाँ हम लोग जब पहला लूप चलाए उसके बाद i का वैल्यू 1 माइनस कर दे रहे हैं। तो ये हुआ वाइल लूप का बॉडी। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल है तो इसको आप लिखेंगे 2 × 1। अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली सबका होगा, जितने भी नंबर्स हैं सबका ऐसे ही निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, आपने नंबर ले लिया, नम नाम का एक वेरिएबल लिया 4, फैक्टोरियल को इनिशियलाइज़ किया 1 और आई को इनिशियलाइज़ किया 1 से। अब हम कंडीशन लेते हैं वाई आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम। क्यों आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम करना है, आपको इटरेशन नम तक ही लेना है। अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 1 × 2 × 3 × 4, मतलब 4 तक ही जाएगा। तो 4 से लेस या इक्वल टू ही लेना, 4 से ज़्यादा नहीं लेना। अब क्या करना है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और फिर आई को अपडेट करना है आई प्लस 1 से और प्रिंट करा देना है फैक्टोरियल। तो देखिए फैक्टोरियल आ गया 24। अब दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड टेस्ट इफ इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट।
प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो खुद के और वन के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट इफ इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। सपोज हमने नम लिया है, उसमें 17 लिया, अब हमें चेक करना है 17 प्राइम नंबर है या नहीं। और एक लिमिट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें नम माइनस 1 तक का वैल्यू जाएगा, इंटीजर वैल्यू, इसलिए हमने इंट लिया है और नम माइनस 1 किया। नम माइनस 1 क्यों किया? सपोज आपको 17 का लिखना है तो 17 1 और 17 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हमें 16 तक का देखना होगा कि 1 से लेके 16 तक ये किसी से डिविजिबल है या नहीं है, इसीलिए हमने नम माइनस 1 किया। तो लिमिट हम लेंगे इंटीजर वैल्यू ऑफ नम माइनस 1 और आई का रेंज लेते हैं हम 2 से लिमिट तक। 2 से लिमिट तक क्यों जाएगा आई का रेंज? 1 और 17 से तो वो डिविजिबल है ही, हमें चेक करना है 2 से लेके 16 तक वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, इसीलिए हम आई का रेंज 2 से लेके लिमिट तक ले रहे हैं। लिमिट में जो वैल्यू है वो नम से एक कम वैल्यू है, तो हम आई इन रेंज 2 कॉमा लिमिट तक लिया। फिर अब REM रिमाइंडर जिसको बोल सकते हैं, REM नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने मॉड्यूलस कराया नम का आई के इक्वल। मतलब अब जब हम नम को आई से मॉड्यूलस कराएंगे तो उसका रिमाइंडर लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल टू आ जाता है तो ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। यहाँ हमने ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए लिखा ताकि ये कंडीशन अगर ट्रू होता, इफ कंडीशन, तो प्रिंट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, सिंपली ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा, ये बार बार रिपीट नहीं होगा। ब्रेक स्टेटमेंट स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए होता, मतलब तोड़ने के लिए, लाइक अगर आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो ब्रेक कर जाओ, सीधा बाहर आ जाओ लूप से। तो हमने देखा 17 इज प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स फॉर लूप में इतना ही पढ़ना था, अब हम कल के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं होमवर्क के रूप में। तो ये रहा आपके होमवर्क का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्रिंट कराना है आपको ये पैटर्न कोड लिखकर, और दूसरा क्वेश्चन में आपको इसका आउटपुट निकालना है। तो फ्रेंड्स आप होमवर्क कल करके लाइएगा, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त पाइथन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।